समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और सभी भारतवासी इस दिन को बड़े गर्व के साथ मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था हर भारतीय के मन में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान है लेकिन साल 2021 का गणतंत्र दिवस हर साल से अलग रहा इस दिन जो घटित हुआ उसे कोई भारतीय भुला नहीं सकता और हर भारतीय के मन में गुस्सा है रोष है क्योंकि हमारे देश के लिए हमारे देश के सम्मान के लिए पता नहीं कितने भारतीयों ने अपनी जान तक न्युछावर कर दी एक तरफ हमारे देश के वीर सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, किस लिए क्योंकि हम सुरक्षित रह सके और हमारे देश का गौरव सदा बना रहे मगर कुछ आरजक तत्वों ने देश के गौरव को ठेस पहुंचाई है गणतंत्र दिवस के दिन अपने राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान कर लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया क्यों क्या झंडा फहराने वाले भारतीय नहीं थे क्या उनके मन में अपने भारत के प्रति अपने राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति कोई सम्मान नहीं था या फिर वह भारतीय होने से पहले एक धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं वह जिस धर्म को इतना महत्व दे रहे हैं कहीं ना कहीं वह यह भूल रहे हैं कि उनके धर्म के ही दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण नछावर कर दिए थे आज हम जिस देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं उस देश को आजाद कराने में उनके गुरु का भी अहम योगदान रहा है और उनके मन में अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति की भावना थी उन्होंने कभी किसी धर्म को अलग नहीं माना वह भी एक भारतीय होने के नाते इस देश के लिए मर मिटे और आज वो है जो धर्म के नाम पर अपने देश का अपमान कर रहे हैं आपको बता दें कि इन आरजक तत्वों के द्वारा लाल किले पर निशान साहिब जी का झंडा फहराया गया लेकिन सबसे बड़ी बात की निशान साहिब का झंडा गुरुद्वारों के बाहर फहराया जाता है इसकी शुरुआत सत्रहवीं शताब्दी में छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी आपको बता दें कि किसी भी जगह पर इसके फहराने का दृश्य उस मोहल्ले में खालसा पंथ की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है अब इससे मतलब यह निकलता है कि जिन लोगों द्वारा यह झंडा फहराया गया उनके मन में अपने देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है और ये लोग केवल और केवल धर्म की आड़ में आक्रोश फैलाते रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पुलिस के साथ झड़प और लाल किले पर अलग झंडा फहराने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं लोगों के जहन में यही सवाल बार बार कोंद रहा है कि आखिर देश का पेट भरने वाला किसान क्या इस हद तक जा सकता है क्या किसान राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकता है आखिर ऐसे आराजक तत्व किसान रैली में कैसे आए किसने उन्हें उकसाया किसके कहने पर राष्ट्र की अनमोल धरोहर पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य संगठन का झंडा फहराया गया किसके इशारे पर सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की कोशिश की गई इसी तरह के कई सवाल हैं, जिन्होंने देश की जनता को झोर कर रख दिया है हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार इन सवालों के जवाब को ढूंढने में लग गई है और इसी के तहत कई किसान नेताओं को सम्मान तक जारी किए जा चुके हैं और उनसे तीन दिन के भीतर जवाब देने को भी कहा गया है साथ ही सैकड़ों उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है लेकिन प्रश्न फिर भी वही है कि क्या यही लोकतंत्र है दिल्ली की सीमाओं पर दो महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार की हिंसा के बाद बिखरता नजर आ रहा है एक तरफ पुलिस उपद्रवियों और किसान नेताओं की घेराबंदी करने में जुटी है तो दूसरी तरफ किसान संगठनों में फूट भी जग जाहिर हो गई है बुधवार की शाम चार मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने अचानक ऐलान कर दिया कि वे आंदोलन से अलग हो रहे हैं इसके डेढ़ घंटे बाद ही खबर आ गई कि भानु गुट के किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर अपने टेंट हटाकर घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा किसान संगठनों ने एक फरवरी का संसद मार्च टालने का भी ऐलान कर दिया है किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए बवालों में सबसे ज्यादा चर्चा लाल किले की घटना का हो रहा है क्योंकि रैली में शामिल प्रदर्शनकारी पुलिस का दिया रूट फॉलो ना करके लाल किले पर पहुंच गए थे वहां उन्होंने जमकर उत्पात मचाया और किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया झंडा लगाने वाले एक युवक की अब पहचान हो गई है वह है पंजाब के तरन के तारा सिंह गांव का रहने वाला है उसका नाम युगराज सिंह है। है। और वह है मात्र 22 साल का है। उसके दादा सिंह ने कहा कि युगराज 24 जनवरी का दिल्ली गया हुआ था वह लाल किले पर कैसे पहुंचा और किसके कहने पर वहां केसरी झंडा चढ़ाया यह उन्हें भी नहीं पता 26 जनवरी से पहले आंदोलनकारी किसानों के नेता लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में तैनात पुलिस के जवान हम पर लाठी गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि किसानों के परिवार के सदस्य ही पुलिस और सुरक्षा बलों में नियुक्त हैं। लेकिन जिन जवानों को भाई कहा गया उन्हीं पर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर जख्मी किया गया किसान आंदोलन की आड़ में आरजक तत्वों ने जो हिंसा की उससे पुलिस के 400 जवान जख्मी हो गए कोई जवान ट्रैक्टर की टक्कर से तो कोई किसानों की लाठियों से जख्मी हुआ अनेक जवान खाई में कूदने से जख्मी हुए ऐसे जवानों को अपने ही भाइयों से जान बचाने के लिए 20 फीट गहरी खाई में कूदना पड़ा पुलिस के कोई 400 जवान अब दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं जवानों ने तो इस बात का ख्याल रखा कि आंदोलनकारी किसान उन्हीं के परिवार के हैं लेकिन आरजक तत्वों ने अपने ही भाइयों को जख्मी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, देखे पहले आप जिसमें पुलिस वाले हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए लेकिन फिर भी इन को दया नहीं आई पुलिस कर्मियों पर किस तरह खुलेआम तलवारें चलाई जा रही हैं उन्हें बेरहमी से पीटा गया निहंग खुलेआम तलवारें चला रहे हैं यह तस्वीरें देखकर हैरानी होती है कुछ वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं जिसमें निहंग पुलिस वालों पर ताने हुए हैं और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया पत्थरबाजी की गई हैरानी होती है गुस्सा आता है यह सभी तस्वीरें और वीडियो देखकर क्या किसान हल की जगह हथियार उठा सकता है क्या यह किसान ही है या किसानों के नाम पर कोई और आरजक तत्व मुझे विश्वास है मेरे देश का किसान इतना नहीं गिर सकता भोले भाले किसान शुरू से ही राजनीतिक षड्यंत्र में पिसते आए हैं और अब भी शायद यही हुआ किसान आंदोलन को भड़काकर उसमें अराजकता फैलाई गई और किसानों का नाम खराब किया गया किसान किसान नेता पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार चलते रहे मगर कुछ किसान नेताओं ने ही किसानों के साथ विश्वासघात किया और इसका प्रमाण कुछ किसान नेताओं के सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस हैं। सवाल उठता है कि किसान नेताओं का वह वादा कहा गया जिसमें जवानों को भाई कहा था किसान नेता आश्वस्त थे कि सरकार के आदेश के बाद भी पुलिस वाले उन पर लाठी गोलियां नहीं चलाएंगे किसान नेताओं की उम्मीद पर पुलिस के जवान तो खड़े उतरे लेकिन आरजक तत्वों ने जवानों को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिन किसान नेताओं की वजह से हमारे 400 जवान जख्मी हुए अब वे ही किसान नेता 30 जनवरी को उपवास कर रहे हैं सब जानते हैं कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है आखिर इस दिन उपवास रखकर किसान नेता क्या संदेश देना चाहते हैं क्या देश की राजधानी दिल्ली में आरक्षणता फैलाने में अब भी कोई कसर रह गई है और फिर किस बात का उपवास किसान नेताओं के भड़काऊ वीडियो अब सामने आ गए हैं इसीलिए पुलिस ने किसान संयुक्त मोर्चे से जुड़े नेता राकेश टिकैत योगेंद्र यादव दर्शन पाल सिंह बलदेव सिंह सतनाम सिंह पन्नू गुरनाम सिंह चडूनी कई नेताओं के विरुद्ध हिंसा फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है किसान नेता माने या नहीं लेकिन पिछले दो माह से किसानों के नाम पर चल रहा आंदोलन अब अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है दिल्ली का जो लाल किला देश के सम्मान का प्रतीक है उस लाल किले पर जिस तरह से हुड़दंग और हिंसा की गई उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता जिस लाल किले पर देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है उस स्थान पर अपना झंडा लहराकर कुछ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं लेकिन इस घटना को कभी देश हित में नहीं माना जा सकता आखिर ऐसा कौन सा झंडा है जो देश के राष्ट्रीय ध्वज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसान नेताओं को जो करना था उन्होंने कर दिया लेकिन अब इस मामले में पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू का चौंकाने वाला बयान सामने आया दीप सिद्धू पर 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा फैलाने का आरोप है लेकिन सिद्धू का कहना है कि यदि उन्होंने अपना मुंह खोला तो किसान नेताओं की पोल खुल जाएगी सवाल उठता है कि दीप सिद्धू के पास ऐसे कौन से राज हैं, जिनसे किसान नेताओं की पोल खुलेगी 26 जनवरी से पहले दीप सिद्धू किसान नेताओं के चहेते थे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की योजना बनाने में सिद्धू भी शामिल थे इसीलिए सिद्धू को पता है कि किस नेता ने कौन सा षड्यंत्र किया है अच्छा हो कि दीप सिद्धू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर किसान नेताओं की साजिश के बारे में बताए सवाल यह भी आता है कि दीप सिद्धू का भाजपा से क्या लिंक है अब सवाल यहां यह भी आता है कि किसान नेताओं को भड़काने के पीछे किसकी साजिश थी किसान आंदोलन में शामिल क्या सभी किसान ही थे किसान आंदोलन में अराजक तत्व कैसे शामिल हुए क्या कोई जिम्मेदार किसान नेता नहीं थे या केवल किसान नेता का ध्यान भीड़ एकत्रित करने में ही रहा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जब दिल्ली के राजपथ पर देश की सेनाओं की परेड होनी थी तब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा यह किसान नेताओं द्वारा ऐलान किया गया था यानी सीधे तौर पर बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश की थी जिसमें यह कामयाब भी हुए सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम देश की आजादी और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है क्या देश की आजादी से जुड़े कार्यक्रम को बिगाड़ना उचित था क्या अपने देश के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या धर्म राष्ट्रता से बड़ा हो गया आप भूल रहे हैं राष्ट्र है तो धर्म है धर्म से राष्ट्र ही नहीं है हम सब ने एक नारा जरूर सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो गणतंत्र दिवस पर यही भाईचारे की भावना क्यों दिखाई नहीं थी कहा थी वो भाईचारे की भावना जब पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए लाठियां भांजी गई तलवारें उठाई गई जिन हल चलाने वाले हाथों में हथियार दिखाई दिए क्या वह अंधाता हो सकती हैं? अगर वह किसान नहीं तो फिर कौन है वो लोग जो इतनी निर्दयता के साथ पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं कौन है वो जिनके द्वारा राष्ट्र का अपमान किया गया कौन है वो jbd banquets laihe incredible marriage palace raj and the finest banquet hall jyoti garden world class catering century air condition lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties raj and jyoti garden and jbd banquets enterprise